नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये किंग प्लस कंपनी का देख सकते हैं, किंग प्लस कंपनी का एक एपी टेबल फैन है और ये चल नहीं रहा है बिल्कुल भी। इसमें मैं चेक कर रहा हूँ सीरीज से लगा के, तो सीरीज में देखिए डाल दिया। अब इसका देखिए कोई भी मतलब कुछ भी, ये एकदम आप पोजीशन में है, बंद ही है, डेड कंडीशन में है। तो इसको चेक करने के लिए हम पहले इसका क्या करेंगे, पहले इसका प्लेट खोल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। इसका कनेक्शन चेक करेंगे क्या हुआ है इसमें, कनेक्शन लूप सही है कि नहीं, लीड जो अपना होता है। अब देखिए पंखा एकदम फ्री है, पंखा जाम वाम भी नहीं है। ब्लेड खोल लिए हैं, ब्लेड खोलने के बाद ठीक एक बार इसके मोटर के मतलब पंखे के लूप को हम चेक करेंगे। देखिए एक लूप ये अपना है, इसको छुड़ा लिए, देख सकते हैं अल्मोनियम का वायर लगा है। देख सकते हैं मैं दोस्तों इसका मतलब मोटर खोल के निकाल लिया, और देखिए लूप में जब इसका चेक अभी खोला ही, मोटर जस्ट खोलने के बाद ही देखिए, अब दिखा रहा हूँ मैं इसको, देखिए लूप वायर टूट के मतलब इतना हार्ड हो गया है, देख सकते हैं पूरा हार्ड हो गया। देखिए एल्युमिनियम का तार है और टूट गया, अपने आप ही निकल गया, एक देखिए यहाँ से निकल गया, और दो ये भी एल्युमिनियम है, इसका भी कंडीशन वही है। मैं आपको सीरीज से एक बार चेक करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए मेरा सीरीज जल रहा है, देख सकते होंगे सीरीज की तरफ, और देखिए मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ सीरीज पे, देखिए बिल्कुल मतलब बल्ब जल नहीं रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस धागे को कट करके और लूप बनाऊँगा, और देखिए इतना हीट हो गया है, इस रनिंग और स्टार्टिंग के बीच वाला ये जो होता है इंसुलेशन वाला अपना टेप, वो भी एकदम काला पड़ गया है जल के। और इसको देखिए, इससे धागा काटना है आपको और लूप बनाना है। लूप बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैं कैसे बना रहा हूँ, देख के आप भी बना सकते हैं। तो देखते जाइए, देखिए ऐसे धागा आपको खोलना है, कहाँ तक खोलना है, जहाँ तक अपना ये स्लिप है, स्लिप के पास से स्लिप तक खोल, देखिए यहाँ तक खोल लिया मैंने स्लिप तक। अब देखिए ये वाला वायर निकल गया, ये अपना टूट ही गया है, ब्लैक वायर था इसमें, देख सकते हैं बिल्कुल सड़ गया है। तो देख सकते हैं इसमें मतलब यहाँ से हमको कट करना ही पड़ेगा, ये बेकार हो गया है। तो अब इसको देखिए, इसका एक नंबर स्लिप निकाल लेते हैं, दो नंबर स्लिप भी निकाल लेते हैं, देखिए अपने आप निकल जा रहा है, एक कामन वायर है डबल करके, एक ही में ज्वाइंट हुआ है। तो ये अपना बहुत एल्युमिनियम है, बहुत हल्के हाथों से काम करना पड़ेगा, ज़्यादा खींच खाच करेंगे टूट जाएगा, आप भी सावधानी से कीजिएगा। तो देखिए ये वाला अपना एक मतलब जुड़ा हुआ है, लेकिन ये भी सड़ गया है, देख सकते हैं जला भी है, जल के काला रेड कलर है लेकिन ब्लैक हो गया है जल के, देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल जल जाता है हीट होके। देखिए अपना चार वायर आ गया सप्लाई बाहर। अब मैं इसको क्या करूँगा, पेपर की मदद से ऐसे हल्के हाथों से इसको छील लूँगा थोड़ा थोड़ा। तो देखिए मैं इसको पेपर से, ये कामन वायर है और ये देखिए रनिंग स्टार्टिंग, मैं इसको पेपर से इसका पॉलिश निकाल लिया हूँ और इसको सीरीज में लगाता हूँ। सीरीज में लगाने के बाद देखिए सीरीज जल रहा है, अब इसको चेक करेंगे बिल्कुल कामन से ही चेक कर लेते हैं। कामन से देखिए सप्लाई अपनी देखिए आ रही है रनिंग पर, स्टार्टिंग वाइंडिंग पर देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग पर भी अपना आने लगी। अब कामन से ही बॉडी अर्थ चेक कर लेंगे, देखिए बॉडी अर्थ बिल्कुल नहीं, रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब अपना पंखा शार्ट भी नहीं है, केवल लूप की गड़बड़ी थी। तो लूप पर मैं बता दिया हूँ आपको कैसे मतलब देखते जाइए और समझते जाइए कैसे बनाना है। तो इसके लिए जैसे तीन वायर निकला था कंपनी ने निकाला था, सेम हम उसी तरह तीन वायर निकालेंगे। तो इस पर आपको क्या करना है, कामन वाले पे आप रेड वायर लगाइए। तो देखिए अब इसको लपेटना कैसे है, देखते जाइए, कामन में लपेट रहा हूँ, ऐसे आपको कापर वायर ले लेना है, बढ़िया कंपनी में मतलब ब्रांडेड कंपनी का रहे। और देखिए ऐसे आपको लपेट के हल्का सा टाइट कर देना है, और लूप पेपर से ही छील मतलब पॉलिश उसका निकालिए। अगर इसको आग से जला के जैसे चूल्ही माचिस से जलाएंगे तो गल जाएगा, पिघल जाता है वायर,
अब एक वायर देखिए ब्लैक का एक साइड का वायर रनिंग पे जोड़ दीजिए स्टार्टिंग पे। तो मैं देखिए एक वायर ऐसे ऐसे लपेट रहा हूँ, लपेटते जाना है, लपेटते जाना है, और थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा इसको टाइट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। मैं इसको हल्का सा टाइट कर दिया, ये भी हो गया अपना अब स्टार्टिंग वाला लूप। इसको भी ऐसे लपेटते जाएंगे, थोड़ा आराम से लपेटेंगे, एलुमिनियम है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, इसको ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अब इस पर क्या करेंगे, अपना स्लीप चढ़ा लेंगे, ठीक। इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे, इसको भी टाइट, तीनों लूप हो गया है अपना। और स्लिप इसको अभी देखिए एक नंबर स्लिप नहीं डालना है, डायरेक्ट दो नंबर आप अंदर तक चढ़ा दीजिए जहाँ तक वायर है आपका। देखिए मैं चढ़ा दीजिएगा, और इस पर भी पूरा अपना चढ़ा दिए, क्योंकि एक नंबर डालेंगे छोटा पड़ जाएगा। और यहाँ देखिए थोड़ा सा पेपर जला है, तो इस पर पेपर लगा लीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए एक कामन वाला अपना लीड आके तैयार हो गया है, और ये रनिंग स्टार्टिंग लूप आपको चेक करना है तो इससे भी चेक कर सकते हैं, सीरीज से भी। तो मैं इसी से चेक कर ले रहा हूँ, देखिए एक सप्लाई, ये सप्लाई, मतलब तीनों पे अपना लूप पे सप्लाई आ गई है, और कंटिन्यूटी टेस्टर शो कर रहा है, और बॉडी अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको हम बॉडी में टाइट करेंगे, और देखिए टाइट करने के लिए थोड़ा सा आप इसमें मतलब आयल डाल सकते हैं, मैं डाल के रखा हूँ आयल, और मैं इसको धीरे से डाल देता हूँ कवर को। कवर पे मैंने मार्किंग किया हुआ है, तो मार्किंग करके रखने से आप बॉडी पे मार्क कर लीजिए तो टाइम नहीं लगता है। अब रह गया वायर निकालने के लिए, तो वायर आप कहीं से भी यहाँ से आपको सुविधा लगे, इन पीछे वाले ब्लैक बैक होल से आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। मार्किंग अपना मिला लीजिए, मेरा मार्किंग इस पर है, तो मैं दो वायर यहाँ से निकाल लेता हूँ। वायर ठीक है, इसके बगल से ही निकाल लेता हूँ, हाँ सही है। अब इसको लगा देते हैं, लगाने के बाद इसका देखिए ये मैं मार्किंग करके रखा हूँ। अब इसका स्टार्ट टाइट कर देंगे, स्टार्ट टाइट करने के बाद इसको मैं चला के दिखा देता हूँ आप लोगों को। रिपेयरिंग का काम मतलब ऐसे ही कीजिए अच्छे से, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। देखिए फ्रेंड्स, वायर बांधने के लिए आप ऐसे टाई का प्रयोग कर सकते हैं जो मैंने वायर बांधा है, और बांधने के पहले आप एक मतलब टेप आता है इसको चिपका के ऊपर से आप ये वायरों को बांधिए, तो आपका लीड ज़्यादा दिन तक चलेगा। और देखिए मैं क्या किया हूँ, रनिंग स्टार्टिंग के तार में कंडेंसर जोड़ लिया हूँ, और ये देखिए कामन अपना अलग रखा हूँ। अब इसका चाल चेक करना है तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, कनेक्शन कंपनी का ही है। अगर उल्टा चले तो आप यहाँ से यहाँ सप्लाई देंगे, उल्टा चले तो आप यहाँ से यहाँ सप्लाई दे सकते हैं। मैं किसी दो वायरों पे चेक करता हूँ, पंखा अपना उल्टा चल रहा है, देखिए अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं अगर एक मिनट में ब्लेड टाइट देखिए, अब मैं सीरीज पे इसको चेक कर रहा हूँ, देखिएगा इस पर देखिए अपना उल्टा चल रहा है, तो उल्टा चल रहा है। तो आप इन इस वायर पे और कामन पे मतलब ये रनिंग हो गया आपका, रनिंग और ये कामन पे देखिए सप्लाई दे देंगे तो आपका पंखा सीधा दिशा में चलने लगेगा। अभी मेन सप्लाई पे नहीं है, फिर भी मैं चेक कर लिया हूँ। और भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स मैं इसको मेन में चला के दिखा दे रहा हूँ, देखिए मैं मेन सप्लाई में डाल रहा हूँ, सकते हैं बिल्कुल पंखा अपना बेहतरीन स्पीड में चल रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगले दिन किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।